जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सार करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। हम दूसरे अध्याय के भाग को तीन भागों में लेकर आए हैं। पहला भाग है उन लोगों के लिए जो गीता पढ़ना या सुनना चाहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा। इसके लिए हम गीता के दूसरे अध्याय को 5-5 श्लोक की व्याख्या में करेंगे। दूसरा भाग लेकर आए हैं हम उन लोगों के लिए जो कि गीता को रोज़ रोज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके लिए हम गीता के अध्याय का पूरा सार की व्याख्या करेंगे। तीसरा भाग है विद्यार्थियों के लिए जो कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं गीता के अध्याय की सीख। क्योंकि स्कूल जाते बच्चों के लिए अगर गीता ज्ञान की सीख को थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारते हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अगर गीता को पढ़ने या उच्चारण करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। धन्यवाद। संजय उवाच। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण क्लेशनम विशिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि पर अपने परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर जाता है। उसके मन में विचार आने लगते हैं कि वह इन लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता है। उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है, अत्यंत दुखी हो जाता है और उसकी आंख करुणा से भर जाती है। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की यह स्थिति देखकर उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्रिप्सिद्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं सर्वज्ञं प्रीतिकरं अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऐसी युद्ध की स्थिति में यह मोह तुम्हारे पास कैसे आ गया? यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हारा यह आचरण एक योद्धा के योग्य नहीं है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारा यह आचरण न तो स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक है और न ही यश की प्राप्ति में सहायक है। कल वे मासम गम पार्थ नैथम प्रत्युपादयते शूद्रम हृदया दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठा परतः। युद्ध के दौरान अर्जुन कायरता के कारण युद्ध को अधर्म मान रहे थे और युद्ध न करने को धर्म। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कायरता को छोड़कर खड़े होने को कहते हैं। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लायक नहीं है। अपने मन की दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ। तुम जो मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं जो युद्ध करके पाप नहीं करना चाहता, यह सब तुम्हारे हृदय की कमजोरी है। अर्जुन उवाच। अथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यशोभि प्रतियोत्स्यामि पूजा ही वरिसूदन। अर्जुन आंतरिक भावना और उनके मन के संघर्ष को दिखाते हुए कहते हैं, जहाँ वे धर्म और रिश्तों के बीच में उलझे हुए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, अपने गुरुओं और परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करना उनके लिए अत्यंत कठिन है, वे दोनों ही पूजनीय है। गुरु अथवा ही महानुभावन शेरियो भोक्तुम वैक्ष्य मदी लोके हतुवार्थम कामां स्तुम गुरु निहै पूंजिया भोगन रुधिरा प्रादिग्दान। इस संसार में महानुभाव गुरुजनों को न मारकर भिक्षा मांगकर जीना मेरे लिए बेहतर होगा, लेकिन यदि मैं उन्हें मारकर इस संसार का धन और ऐश्वर्य प्राप्त करूं तो वह भी उनके खून से सना होगा, अर्थात यह नैतिक रूप से सही नहीं है। न चैतद्विद माम कतरनो संग्रियो यद्वा जयम यदि वानो जेसु याने हत्वा न जीजी विषाम स्ते अवस्थिता परमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन कहते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है, जीतना या उनसे हारना, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहेंगे अब हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्या 255 पश्चामी त्वाम धर्म समूढ़े चेता यच्छे स्यानी निश्चितम बहुत शिष्यस्ते हम साधि माम तवा प्रपन्नम। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ, आप निश्चित रूप से मुझे वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मार्गदर्शन मेरा आप कीजिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुदयात् यच्छोकमुच्छे शोषण
मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूपावस्पतनम् मृदम् राजम् सुरणमपि चाधिपत्यम्। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में खड़े हैं और इस कारण से वे अत्यंत दुखी। अर्जुन कहते हैं उनका दुख इतना गहरा है कि वे कोई ऐसा उपाय नहीं देख पा रहे जो उसे दूर कर सके। यदि उन्हें पृथ्वी पर सबसे समर्थ राज्य भी मिल जाए या स्वर्ग का अधिकार भी मिल जाए तो वह उनका यह दुख दूर नहीं कर पाएगा। एव मुक्तवा हर्षिकेशम गुड़ाकेश परंतया न योत्सय यदि गोविंद मुक्तवा तुषिणम भूव। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा। फिर गोविंद से ऐसा कहकर वे चुप हो गए। तमुवाच हर्षिकेश परसिन्नौ भारत सैन्योरु बयोर मध्य विषिदंत मिदम वच। भगवान श्री कृष्ण जो हर्षिकेश के रूप में जाने जाते उन्होंने अर्जुन को हंसते हुए संबोधित किया। इस संकट की घड़ी में मैं उनको मार्गदर्शन देते हुए अर्जुन की स्थिति को समझते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं। असोचान अन्वेषोस्तम प्रज्ञावादामश्च भाषसे गतासुन गतासुमश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नाशवान है, इसलिए उन लोगों के लिए शोक करना बंद करो जिनके शरीर नष्ट हो चुके हैं। अज्ञानता है, ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को अमर समझते हैं और इसलिए वे शोक नहीं करते। नत्वे वाहम जातु नासम न तवम मे जनाधिपा न चैवम नव भविष्याम सर्वे वमेम त परम। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि आत्मा अनश्वर है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह सृष्टि के आरंभ से ही थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा नहीं थे और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम में से कोई अस्तित्व में न हो। देहिनो अस्मिन यथा देही कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्त्रण मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है उसी प्रकार आत्मा के मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है वह जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। मात्रा स्पर्श तु कौनते शीतोषण सुख दुखदा आगामा पारियनो नितास्य तामस्तिथिक सस्व भारता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि जो सुख और दुख हमें इंद्रियों के संपर्क से प्राप्त होते हुए अस्थाई होते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी आती और जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को इन्हें सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसको सुख और दुख विचलित नहीं करते, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही धीर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। नास्तो विदते भावो न भाव विदते सत अभ्योरपि दृष्टोन्तस् तवन योस तत्वाधर भी शिव। अर्थात जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात वास्तविक है, कभी अभाव नहीं होता, इस सत्य को ज्ञानियों ने अनुभव किया। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अविनाशी तू तद्विद येन सर्वम इदम तथम विनाशम अव्यशयासे न कश्चित कृतुम अर्हति। जिसके संपूर्ण शरीर व्याप्त है उस आत्मा को अविनाशी जानो। उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। आत्मा अजर अमर है, हमें अपनी पहचान शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से करनी चाहिए। अनंतवंत इमे देहा नित्य संयोक्ता शरीरण अनासीनो परमेश्य तस्मादु दयस्व भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि हमारा यह शरीर नाशवान है, अर्थात एक दिन इसका अंत निश्चित है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है
वह अविनाशी है जिसे मापा नहीं जा सकता। आत्मा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो और धर्म के लिए खड़े हो जाओ। यह एनम व्यंति हंतारम यश्चे मन्यते हतम उभौ तो न विज्ञानितो नायम हंति न हन्यते। जो ये सोचता है कि आत्मा मरती है या जो ये सोचता है कि वह आत्मा को मारा गया है, वे दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मारी जा सकती है। न जायते मिरते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वायन भूय अजो नित्य है शाश्वत तेस पुराणों न हन्यते हनुमाने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है, न तो वह उत्पन्न होती है और न ही भविष्य में कभी उत्पन्न होगी। वह अजन्मा हमेशा रहने वाला और अनंत है। जब शरीर नष्ट होता है तब वह भी नष्ट होती है, इसलिए अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध करो, गलत नहीं है ये। वेदा विनाशिनम नित्यमय एनम जम वयम कथम स पुरुष पार्थ कम गातियति हंति कम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा अविनाशी अजन्मा और अपरिवर्तनीय। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। आत्मा किसी भी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन के अधीन नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जानता है वह किसी को मारने वाला या मारे जाने वाला नहीं समझता। वंशासी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रंथि नरो प्राणी तथा शरीरानी व्याय जीणी नयानी समयाति नवानी देही। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने क्षीण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कले दयंती न शोषयति मारुत। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है, यानी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अच्छे दयो यम अधयो यम अक्ले दयो सोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थानोश्च चलो यम सनातन। यह आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है और न ही सुखाई जा सकती है। यह आत्मा स्थिर अचल और सनातन है। अव्योक्तयम् अचिन्तयोयम् अविकार्योयम् युच्यते तस्मादेवं विचित वैनम नानु शोचितुम् अर्हसि। अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा अचिंत्य अविकारी है, इसलिए भौतिक शरीर की मृत्यु पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा अमर है और शारीरिक शरीर के मृत्यु या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मतम तथापि तव महाभाव नैनम सोची तुम अर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली मानते हो, तब भी हे अर्जुन तुम्हें इसके लिए शोक कर नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु दुखम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्य रथे न तवम सोची तुम अर्हसि। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसे बदलना किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए किसी के मरने या जन्म लेने पर दुखी होना व्यर्थ है। अव्यक्तादीनो भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानो नैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन सभी प्राणी अदृश्य रूप में प्रारंभ होते हैं, बीच में दृश्य होते हैं और फिर से अदृश्य हो जाते हैं, ऐसे में शोक किस बात का। अर्थात जीवन में पहले जीव अदृश्य होते हैं, जन्म के बाद वे दृश्य रूप में प्रकट होते हैं और अपने जीवन को जीते और फिर अंत में मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं। आश्चर्यवत पश्यति काश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव जानीयः आश्चर्य चैनम मन्यः शृणोति श्रुत्वा वापेनम वेदम न चेव कश्चित। कोई इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्यजनक बातें करता है,
कोई इसे आश्चर्यजनक रूप में सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी कोई इसे वास्तव में नहीं समझ पाता। अर्थात आत्मा को समझना या स्वीकार करना मनुष्य के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। देही नित्यमौ द्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मा तस्य सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा शरीर में रहने वाली नित्य और अविनाशी है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का शोक व्यर्थ है, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। सौधर्मम अपि चावेक्ष्य न विक्रम पितुम अर्हसि। धर्म्या दधि युधाश्च श्रेयो न क्षत्रिय रूप न विदते। अपने कर्म का पालन करते हुए तुम्हें इस धर्म युद्ध में संदेह नहीं करना चाहिए। इस युद्ध को धर्म युद्ध मानकर बिना किसी संकोच के इसमें भाग लेना ही क्षत्रिय का धर्म है। यदृच्छया चौपन्नम सर्वगुण द्वारम पातवतम सुखी नक्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। जो धर्म युद्ध मिला है वह स्वर्ग के द्वार के समान है जो पवित्र है। इस प्रकार के युद्ध में भाग लेना एक क्षत्रिय यानी योद्धा के लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यह उनके धर्म का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। इस युद्ध को अवसर मानकर अर्जुन को बिना किसी संकोच के इसमें भाग लेना चाहिए। अथ चेतवमिवम धर्यम धर्मयम संग्रामम न करिष्यामि ततः सौधर्मम कितिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्म को धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और यश दोनों को खो दोगे और पाप को प्राप्त करोगे। इसके विपरीत युद्ध के पीछे हटने पर उसे कायरता और अपमान का सामना करना पड़ेगा जो कि पाप के बराबर है। अकृतम चापानी भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चाकी तीर मरणादति रिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अगर वह युद्ध से पीछे हटता है तो लोग उसे कायर और अपमानजनक समझेंगे। तुम्हारी जो बदनामी होगी वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह सब सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान और बदनामी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। भयाधरणा दुप्रथम मश्यन्ते त्वाम महारथा एषां च तवम बहुमतो भूत्वा यशसी लाघवम। अगर तुम युद्ध से पीछे हट जाते हो तो बड़े बड़े महान योद्धा ये मान लेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध से हटने का निर्णय लिया है। जो लोग अब तक तुम्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे वे भी तुम्हें कायर मानने लगेंगे और तुम्हारा सम्मान खो देंगे। अवाच्य वादामश्च वह नवदिश्यन्ति तवाहितः निदंत सत्व सामर्थ्य में ततो दुखतरम न किम। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में बहुत सी अपमानजनक बातें कहेंगे और तुम्हारी क्षमता का उपहास करेंगे, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या दुखदायी हो सकता है। युद्ध करो और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। हतो वा प्राप्स्यसि सर्वम जितुवा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मा दुष्टि कौन्ते युधाये कृत निश्चय है। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध में उसके लिए दोनों ही परिणाम अच्छे हैं। यदि युद्ध में वह मारा जाता है तो क्षत्रिय के रूप में अपने धर्म का पालन करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युधाय युजस्व नैवम अपमोस्यामि। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं उसे अपने कर्तव्यों को पालन बिना किसी परिणाम की चिंता के करना चाहिए। अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुम पाप से मुक्त रहोगे। ऐसा तेवी हिता सांख्य बुधिर योगे विमाम सरु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ करम बंधम प्रहस्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई अपने कर्म की ओर चलो, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य के अनुसार बुद्धि का उपदेश दिया है, अब योग के बारे में सुनो। हे पार्थ, जिसके अभ्यास से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। नेहाभि कर्म नाशोस्ति परपे वायो न विदते सौलक्ष्म
मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। कर्मयोग के मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई हानि होती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास महान भय से बचा सकता है। व्यवसाय आत्मी का बुद्धि रेखो गुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लक्ष्य पर केंद्रित होती वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यामी याम पुष्पिताम वाचम परुदंती विपसित वेद वातारय पार्थ नान्य दस्तीति वादिन। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग अल्प ज्ञान वाले होते हैं वे वेदों के भारी अर्थों और कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग वेदों में बताए गए यज्ञ हवन और अन्य धार्मिक कर्म कांडों को केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिल जाए, अच्छा जीवन मिल जाए और भौतिक सुख शांति की प्राप्ति हो। कामात्मान सर्वपरा जन्म कर्म फल पर धाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे सर्वहितम प्रति। ऐसे लोग जो इंद्रिय सुखों कामनाओं में डूबे होते हैं स्वर्ग को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि स्वर्ग में जाने से उनका जीवन सफल होगा, इसलिए वे कई तरह के जटिल कर्मकांड और यज्ञ करते हैं जो उन्हें भौतिक सुख और पूर्व जन्म के फल देते हैं। ये कर्मकांड उन्हें अस्थायी रूप से सुख और धन की प्राप्ति तो करवा सकते हैं लेकिन उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकते। मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। भोगेश्वरया परस्तानम तया पहरता चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होते हैं जिनका मन इन चीज़ों से मोहित हो गया वे इन चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल पाते और उन्हें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। त्रिगुणे विषा वेदानी शस्त्रे गुणियो भवा अर्जुन निर्दवंदो नित सत्यवस्थो निर्योग सेम आत्मान। वेद भौतिक जगत के त्रिगुणों सत्व रज और तम से संबंधित है। अर्जुन तुम इन गुणों से परे हो जाओ और दवंदों से मुक्त रहो। सत्व गुण में स्थिर रहते हुए बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्य का पालन करो। यावान अर्था उत्पाने सर्वथ समलुम्ध के तावानर सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत है। जिस प्रकार एक बड़े जलाशय में उपलब्ध पानी में सभी छोटे जल स्रोतों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है उसी प्रकार जो व्यक्ति वेदों के उद्देश्य को जान लेता है उसके लिए वेदों के सभी उद्देश्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। कर्मण्य माँ अधिकारेस्तु माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संसोत्वा कर्माणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्म के फल की प्रेरणा से कर्म मत करो। ऐसा भी न हो कि तुम अकर्म में लग जाओ, अर्थात हमें अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यागत्वा सीधे सीधो स्मो भूतवा धनंजया समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब है मन की स्थिरता और संतुलन बनाए रखना, चाहे परिणाम सफल हो या असफल। इस प्रकार योगी व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगा रहता है लेकिन कर्मों के परिणाम पर उसकी स्थिति नहीं बदलती। दुरेण हयावरम कर्म्या बुद्धि योगधन जया बुद्धौ शरणम अनविच्छा कृपणा फल हेतु। जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को ऊंच आत्मा या ईश्वर की भक्ति में समर्पित करता है तो वह कर्म के प्रति आदर्श दृष्टिकोण अपनाता है। और जो लोग कर्म के फल की आकांक्षा में लगे रहते हैं और केवल परिणाम की चिंता करते हैं वे दीन होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर नहीं रखते और केवल संकुचित दृष्टिकोण से काम करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति हा उभे सुकृता दृष्कृते तस्माद् योगाय युजुष्व योग कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति बुद्धि योग से मुक्त होता है वह इस जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों दोनों को छोड़ देता है, इसलिए योग के माध्यम से कर्मों में कुशलता प्राप्त करो।
कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवान मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्त पदम गंचते नामयम। जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखते वे वास्तव में सच्चे योगी हैं। वे कर्म के परिणामों से स्वयं को अलग कर लेते और इस प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते। यदा ते मोह कालिकलम बुद्धिर्वयातीतम मरीष्यति तदा गंतासी निर्वेदम स्रोतस्यम श्रुतस्य। जब व्यक्ति भ्रम माया और अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो वह संसार के भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि संसार में जो कुछ सुना है जो कुछ सीखा है वह सब अंतिम सत्य से बहुत दूर है। श्रुति विप्र प्रतिपना तेदास्थास्यति निश्चिला समाधाव चला बुद्धिस्ता योगम वाष्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि जो कि विभिन्न मतों और विचारों को सुनकर भ्रमित हो गई है अडिग और स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दिहम किम प्रभाषेत किमासित वर्चेत किम। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वह व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि है और जिसने आत्म साक्षात्कार की अवस्था यानी जिसने समाधि प्राप्त कर ली है उसकी पहचान क्या। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और चित्त स्थिर है वह कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहति यदा कामान सर्वान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान मन्येत्वतः तुष्टस्थित प्रगस तदा उच्यते। सच्ची स्थिरता और बुद्धिमत्ता तब आती है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों से ऊपर उठ जाता है और आत्मा के आनंद में लीन हो जाता है। दुखे सौ नून द्वी नमना सुखेशु विगत सपह वितरागभ्य क्रोध स्थित दीर्मु निरुचयते। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता सुखों की प्राप्ति पर जिसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त हो गया उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्रान वीरनेहस तत्प्रापय सुभा शुभम नाभिनंदति न देवेष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठित। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में इच्छा से रहित रहता है चाहे उसे कुछ शुभ प्राप्त हो या अशुभ अच्छा या बुरा और जो व्यक्ति न तो शुभ प्राप्ति पर खुश होता है और न ही अशुभ प्राप्ति पर द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है और वह हर स्थिति में समान रूप से शांत और संतुलित रहता है। यदा संगर्ते चायन उर्मो नगा निवा सर्वस इंद्राणी इंद्रियार्थे भयसतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस प्रकार कछुआ अपनी रक्षा के लिए अपने अंगों को अपनी खोल के अंदर समेट लेता है उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और हम आत्मिक शांति प्राप्त कर लेते हैं। विषय विनिवर्तन्ते निरहास्यस्य देहिनम इस वर्जम रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को सांसारिक सुखों से रोकता है जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन के स्वाद से दूर होता जाता है तब भी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती बल्कि जब व्यक्ति उच्चतम सत्य या परमात्मा की वास्तविकता को जान लेता है तब उसकी सभी इच्छाएं और रुझान समाप्त हो जाते हैं। यत तो हयापि कौन्ते पुरुषस्य विप्रश्चित इंद्राणि परमातिनी हरन्ति परसव्यम मनः। हे अर्जुन ज्ञानी और प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए भी इंद्रियां अत्यंत बलवान और विनाशकारी होती है ये इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती खींच ले जाती है। इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीर मत पर वसे ही यसे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। सभी इंद्रियों को वश में करके और मन को स्थिर करके व्यक्ति को योग में स्थिर होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां उसके वश में उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है तब वह व्यक्ति सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है और जीवन के सही मार्ग पर चल सकता है।
दया यतो विषयान् पुंसः सन्वेषु तेषु पजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों द्वारा भोगी जाने वाली वस्तुओं पर ध्यान करता है तो वह इन विषयों के प्रति आकर्षण विकसित करता है। इस आकर्षण के कारण उसकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्रोधात भावती सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्राण पश्यति। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति में विकृति आती है, स्मृति के बिगड़ने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का सारा जीवन संकट में पड़ जाता है। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्यर विधेयस्य आत्मा प्रसाद मधिम गच्छति। जो व्यक्ति राग यानी लालच और नफरत से मुक्त रहता है, अलग रहता है और इंद्रियों द्वारा भोगी जाने वाली वस्तुओं को बिना किसी मोह के स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता, वह आत्मा नियंत्रित होता है। ऐसा व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वादुखानं हानिर्स्योपजायते प्रसंचेतसो हयेषु बुद्धि प्रियो तिष्ठते। जब व्यक्ति के मन में प्रसाद की स्थिति होती है तो सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। एक प्रसन्न और शांत व्यक्ति की स्थिति बुद्धि स्थिर रहती है, उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता में कोई विकृति नहीं आती। नास्ति बुधिर आयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावते शांतिर शांतस्य कुतो सुखम। जिसका मन सहमित नहीं है उसकी बुद्धि भी नहीं होती। जो व्यक्ति सहमित नहीं है वह ध्यान नहीं कर सकता, जो ध्यान नहीं कर सकता उसको शांति प्राप्त नहीं होती, जिसको शांति प्राप्त नहीं होती उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। इंद्रियाणाम ही चर्ताम यने नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव महाभयसी। जब इंद्रियां चलती हैं और मन उनके पीछे पीछे भागता है तो यह मनुष्य की प्रज्ञा को ऐसे छीन लेता है जैसे वायु पानी में नाव को बहा देती है। जब हमारी इंद्रियां जैसे हमारे आँख नाक कान भटकते हैं और मन उनके पीछे चलने लगता है तो यह मनुष्य की बुद्धि को अस्थिर कर देता है। तस्मादस्य महाभाव निर्गणितानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयतस्य प्रगा प्रतिष्ठता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है और बाहरी वस्तु और इच्छाओं से दूर रहता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा स्वरूप भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। जो सामान्य लोगों की रात होती है वह योगी और ध्यानशील व्यक्ति के लिए जागरण या जागने का समय होता है, वही जब सामान्य लोग जागते हैं उसी समय योगी व्यक्तियों के लिए रात होती है। अपूर्यमाणं चलय प्रतिष्ठं समुद्रमापे प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सह शांति माप्नोति न कामे कामी ही। सभी नदियां उस समुद्र में प्रवेश करती है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ और स्थिर है, वैसे ही सभी इच्छाएं उस व्यक्ति में प्रवेश करती हैं जो स्थिर और संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वानुपमां चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार से शांतिम अधिगच्छति। सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब हम अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति मोह न रखना, अहंकार न करना, जब व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम अनंत काले अपि ब्राह्मण निर्वाण मृच्छन्ति। हे पार्थ, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति कभी मोह में नहीं पड़ता। इस स्थिति में स्थित रहते हुए व्यक्ति अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ऐसी मानसिक अवस्था जहाँ व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है और उसे परमात्मा के साथ अपने एकता का अनुभव होता है।
यह श्लोक जीवन की उस अंतिम अवस्था का वर्णन करता है जहाँ व्यक्ति का मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं, वह सांसारिक सुख से ऊपर उठकर सच्ची शांति और मोक्ष का अनुभव करता है। धन्यवाद। राधे राधे।